सो ऑलराइट गाइस, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपसे एक यादव के बारे में, जिनकी जो मम्मी हैं वो नेशनल्स पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में कम्पीट करने वाली हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में होने वाला है। और उन्होंने एक स्टोरी भी डाली है इसको लेकर के, तो चलिए वो देख लेते हैं। सर, आ चुके हैं हम मॉम के कॉम्पिटिशन के लिए। कॉन्ग्रेट्स, बेस्ट ऑफ लक। बोल तो कॉन्ग्रेट्स बोल रहा हूँ। पहला मेडल तो आएगा, लेकिन कौन सा मेडल आएगा हमारे जैसे तो हाल नहीं है। देखते हैं कल कॉम्पिटिशन। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम करेंगे भुवन चौहान के बारे में, जिन्होंने की IFBB प्रोज को लेकर के कुछ कहा। पोस्ट शो है, 3.5 पोस्ट शो है, एंड वी आर डूइंग अ रीबाउंड प्लान ऑन हिम, सो ही इज ट्राइंग टू गेन मसल। सो इफ यू कैन सी पोस्ट शो कितना लीन होना चाहिए आपको, एंड इज एन एमेचर नॉट अ प्रो। सो चलिए अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम करेंगे राहुल फिटनेस के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बट जो प्रॉब्लम है वो निकल के सामने नहीं आ रही है कि क्या कारण की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सामने आती है हम आपको अपडेट कर देंगे। सो अब बारी है आज की सबसे बड़ी अपडेट की, जो कि है आज तरुण गिल का बर्थडे है। सो आप सभी लोग उन्हें बर्थडे विश करें। सो चलिए अब सुन लेते हैं कि अंकुर शर्मा भाई ने क्या कहा है और कौन सी एक्सरसाइज बताई है उन्होंने आपकी जो बॉडी है उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए। लंबी और फ्लैट दिखती है, उनको ध्यान देना चाहिए अपनी लोअर चेस्ट पे। लोअर चेस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसे इम्प्रूव करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो जाती। मैं आज आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ जिससे आप एक महीने में अपनी लोअर चेस्ट में इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। आप अपने चेस्ट वर्कआउट की शुरुआत डिक्लाइन बेंच और पैरेलल बार डिप्स के कॉम्बिनेशन से करेंगे। पहले आप सेट लेंगे डिक्लाइन बेंच का, उसके साथ ही जैसे ही डिक्लाइन बेंच के आप सेट खत्म करते हैं साथ ही जाके पैरेलल बार डिप्स का सेट लेंगे कंबाइंड से। 4 से 5 सेट लेने और रेपिटेशन रेंज इन डिक्लाइन बेंच में आपकी रहेगी 10, 8, 6, और जो आपका पैरेलल बार डिप्स है उसके रेपिटेशन अप टू फेलियर चलेंगे। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में एक ड्रास्टिक चेंज आपकी चेस्ट की शेप में आएगा, और जो कि आपने सालों में नहीं फील किया वो आप 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करा, दोपहर को आपको 11, 11:30 बजे भूख लग गई, तो आपने सुबह तैयार कर लेना आलू उबाल देना। कितनी देर लगती है? 4 आलू, 1 कटोरी दही, या शकरकंदी कहीं मिल जाए, स्वीट पोटेटो मिल जाए तो वो भी काम करेगी। अदरवाइज 4 आलू रख लो, थोड़ी देर रख लो सुबह। कितनी देर लगती है आलू उबालने में? कोई भी नहीं। आप करना कोई चाहता नहीं, फिर कहते भैया डाइट मेंटेन नहीं होती। मेरा भी यही बना रहता कि डाइट मेंटेन नहीं होती, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता, मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन फिजिक अगर अच्छी अचीव करनी है, बॉडी अगर बनानी है, तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। 4 उबले हुए आलू, थोड़ी सी दही, वो नहीं है तो आप थोड़ी सी लस्सी ले सकते हैं। छाछ बॉडी के अंदर जाती है, ठंडी रहती है, और बहुत सारे लोगों को पिंपल वगैरह होते हैं, तो मेक श्योर आप दोपहर में लंच के टाइम छाछ या दही जरूर यूज करें, या फिर स्नैक्स में भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो कोकोनट वाटर, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें जानी बहुत जरूरी है, तो गर्मी का टाइम है, ठीक है। दूसरा, हम उल्टा सीधा खाते हैं। कितनी बार आप क्या करते हो, लोकल प्रोटीन खरीद लेते हो, लोकल बाजगिर खरीद लेते हो, फिर उससे कौन सी फोड़े होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी फंक्शन नहीं कर पाता, तो ना कि आप खा रहे हो इतना, बहुत सारे लोग उनके अंदर नकली पाउडर के अंदर डेक्सोना नाम की टैबलेट मिली होती है पाउडर फॉर्म में, उनको आप खाते लीवर के ऊपर इतना जोर पड़ता है, इतना फंक्शन नहीं कर पाता लीवर हमारा। और हमारी आपको देखने मिलते हैं जो कुछ लड़के होते हैं उनका बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है और फोड़े फंक जाते हैं, तो भाई वो नहीं करना है। लस्सी या फिर आप कोकोनट वाटर जरूर पी लें। तो स्नैक्स में आप अगर आपको